यार क्या तुम लोग भी जानना चाहते हो कि गोजो जिंदा है या नहीं, वो वापस आएगा या नहीं, तो सही वीडियो में आए हो। तो यार जैसा कि तुम सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि अपना गोजो की डेथ हो चुकी है और सभी एनिमे फैंस इतना रो रहे हैं जितना ट्यूबलाइट में भाई जान भी नहीं रोए थे। और कई सारे तो चैड सिग्मा अल्ट्रा प्रो फैंस अपना थ्योरी भी दे रहे हैं, पर इस वीडियो में मैं एकदम फैक्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने गोजो की, जो कि अपने आप को हील कर सकता है रिवर्स कर टेक्निक की मदद से, जो कि उसने तोजो से लड़ते वक्त किया भी था और जिसके पास अनलिमिटेड इन्फिनिटी है जिसकी मदद से उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि वो मरा कैसे जब कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। तो गोजो के नॉट सो मरने के बाद द किंग ऑफ कर्सेस हमें खुद बताते हैं कि जब मौरागा का जो स्लैश है वो कर्स टेक्निक के साथ एक्सपैंड होकर और भी पावरफुल बनता जाता है, और जब मौरागा ने अपना स्लैश यूज किया था तब वो सिर्फ गोजो को ही नहीं बल्कि उसके पूरे इन्फिनिटी पूरे वर्ल्ड को काट रहा था। और मौरागा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी एक बार एबिलिटी को अडेप्ट करके रुक जाए, नहीं, वो तब तक करता रहेगा जब तक तुम्हारी जान या तुम्हारी गांड उसके हाथ में ना आ जाए। सवाल ये उठता है कि हमारे गोजो सेंसेई वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि यार मांगा में हमें लोटस का फूल दिखाया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ रिबर्थ को, गोजो का अपने आफ्टर लाइफ वाले दोस्तों को फेयरवेल करना, ये सभी चीज़ें साइन है कि वो अभी भी जिंदा है और वो अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू हील कर रहा है। क्योंकि गोजो ने ही कहा था कि जब तक उसका हेड सही सलामत है यानी उसका दिमाग, तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि जब वो आएगा तो और भी पावरफुल होकर आएगा और इस बार तो वो सुकुना की लेगा। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक करो और कमेंट में तो मुझे अपना ओपिनियन बताओ यार कि क्या लगता है सुकुना दोबारा गोजो को हरा पाएगा या नहीं। बाकी यार नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा यार, सब्सक्राइब करो।